हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक यौगिकों को प्रारंभ में सुगंधित पदार्थों से प्राप्त किया जाता था, जिससे इनका नाम एरोमेटिक पड़ा। ग्रीक भाषा में एरोमा शब्द का अर्थ खुशबू सुगंध होता है, अतः एक विशेष प्रकार की सुगंध वाले यौगिकों का नाम एरोमेटिक पड़ा। किंतु बाद में ऐसे अनेक यौगिक ज्ञात हुए जिनमें सुगंध नहीं थी। वर्तमान में वे सभी यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं, जिनमें विशिष्ट संरचना के साथ साथ कुछ विशिष्ट गुण एवं अपेक्षा से अधिक स्थायित्व होता है। जिन एरोमेटिक यौगिकों में केवल कार्बन व हाइड्रोजन तत्व विद्यमान होते हैं, वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका सामान्य नाम एरीन है। एरीन मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं, मोनोसाइक्लिक एरीन जैसे बेंजीन, पॉलीसाइक्लिक आइसोलेटेड एरीन। जिन यौगिकों में बेंजीन वलय की एक से अधिक संख्या हो और वे एक दूसरे से पृथक पृथक हों, जैसे बाइवेनेट। पॉलीसाइक्लिक कंडेंस एरीन, इनमें एक से अधिक संख्या में बेंजीन वलय परस्पर संघनित कंडेंस अवस्था में होती है, जैसे नेफ्थलीन। नेक्स्ट, बेंजीन व्युत्पन्नों का नामकरण। मिशेरलिच ने एरोमेटिक यौगिकों के पैतृक हाइड्रोकार्बन C6H6 बेंजीन को सन 1834 में बेंजीन नाम दिया। लिविंग में इस यौगिक को अल्कोहल जैसा होने के कारण से बेंजोल नाम दिया, जो जर्मन भाषा में अभी भी प्रचलन में है। इस यौगिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की उपस्थिति और हाइड्रोक्सिल समूह के अब्सेंट होने के कारण ब्रिटिश रसायन ने इसे बेंजीन नाम दिया। अन्य एरोमेटिक यौगिकों को बेंजीन का ही व्युत्पन्न माना जाता है। अपवाद स्वरूप कुछ एरोमेटिक यौगिक ग्रुप नाम से भी जाने जाते हैं। बेंजीन अणु में से यदि एक हाइड्रोजन परमाणु को अलग कर दिया जाए तो शेष भाग को फेनिल समूह कहते हैं, जिसे पीएच या फाइव प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, यदि बेंजीन से एक हाइड्रोजन को पृथक कर दिया जाए तो शेष बचा हुआ समूह फेनिल समूह कहलाता है। अतः C6H5 समूह है, ये फेनिल समूह कहलाता है। इसी प्रकार से जब टोलुइन में बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए CH3 समूह से एक हाइड्रोजन अलग करने पर बने हुए समूह को बेंजाइल कहते हैं। एवं CH3 समूह के दो हाइड्रोजन को अलग करने पर बने हुए समूह को बेंजल कहते हैं। एवं CH3 समूह के तीनों हाइड्रोजन परमाणु को अलग करने पर बने हुए समूह को यहाँ पर बेंजो कहते हैं। इसी प्रकार से जब टोलुइन में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को अलग करने पर बने हुए समूह को टोलिल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन से बेंजीन वाले के हाइड्रोजन परमाणु के अलग करने पर यहाँ पर बने हुए समूह को ऑर्थो टोलिल कहते हैं। इसी प्रकार से इसे मेटाटोलिल और इसे पैराटोलिल कहते हैं। अतः ये इस प्रकार के जो समूह हैं, वह बेंजीन वाले के हाइड्रोजन परमाणु के अलग होने पर बन रहे हैं, जबकि यहाँ पर CH3 समूह के हाइड्रोजन परमाणु है वो अलग होने पर इस प्रकार के समूह बनते हैं। नेक्स्ट, एकल प्रतिस्थापी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन वाले में एक प्रतिस्थापी उपस्थित होने पर उसे प्रतिस्थापी बेंजीन कहा जाता है, अर्थात बेंजीन शब्द से पूर्व उस प्रतिस्थापी का नाम लिख देते हैं। इसका सबसे सरल
उदाहरण एल्किल बेंजीन मेथिल बेंजीन है। इसको एक विशेष नाम टोलुइन भी दिया गया है। अन्य एल्किल समूह के बेंजीन वलय पर उपस्थित होने पर यौगिकों को एल्किल बेंजीन नाम दिया जाता है। एरिन के रूट नाम को IUPAC पत्ति में स्वीकार कर लिया गया है। अतः यहाँ पर इस संरचना का नाम बेंजीन, यहाँ पर बेंजीन वलय के साथ CH3 समूह जुड़े होने पर इसका नाम मेथिल बेंजीन या टोलुइन, यहाँ पर बेंजीन वलय के साथ C2H5 समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नाम एथिल बेंजीन, इस यौगिक का नाम प्रोपिल बेंजीन है। इसी प्रकार से द्विप्रतिस्थापित एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नामकरण निम्न प्रकार से करते हैं, जैसे यहाँ पर बेंजीन वलय पर 2CH3 समूह ऑर्थो पोजीशन पर या 1-2 पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, अतः इसका नाम होगा 1,2-डाइमेथिल बेंजीन या ऑर्थो जाइलीन। इसी प्रकार से यहाँ पर बेंजीन वलय पर 1 और 3 पोजीशन पर मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, अतः इसका नाम होगा 1,3-डाइमेथिल बेंजीन या मेटाजाइलीन। इसी प्रकार से यहाँ पर 1,4 पोजीशन पर मेथिल समूह उपस्थित हैं, अतः इसका नाम होगा 1,4-डाइमेथिल बेंजीन या पैरा जाइलीन। बहुप्रतिस्थापी एरिन बेंजीन वलय में 2 से अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित होने पर यौगिक बहुप्रतिस्थापी एरिन कहलाते हैं। इन प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। जो प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सबसे पहले आता है उसे बेंजीन वलय पर पोजिशन 1 देते हैं और वलय के अन्य कार्बन परमाणु के उस दिशा से नंबरिंग करते हैं जिससे कि दूसरे प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। सभी प्रतिस्थापियों की पोजीशन दर्शाते हुए उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बेंजीन से पूर्व लिखा जाता है। ऐसा हम कुछ उदाहरण के द्वारा यहाँ इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेंजीन वलय पर 3CH3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं और ये 1, 2 और 3 पोजीशन पर हैं, अतः इसका नाम होगा 1,2,3-ट्राईमेथिल बेंजीन। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेथिल समूह हैं वो 1,2,4 पोजीशन पर हैं, अतः इसका नाम होगा 1,2,4-ट्राईमेथिल बेंजीन। इसे क्यूमीन भी कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ इस संरचना में हम देख रहे हैं कि 1, 3 और 5 पोजीशन पर यहाँ पर मेथिल समूह उपस्थित हैं, अतः इसका नाम होगा 1,3,5-ट्राईमेथिल बेंजीन। इसे मेसिटिलीन भी कहते हैं, अतः इसका नाम क्या होगा 1,3,5-ट्राईमेथिल बेंजीन। इसी प्रकार से हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं। 2 या 2 से अधिक बेंजीन वलयों के परस्पर जुड़ने से बने यौगिक बहुकेंद्रकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक बेंजीन वलय परस्पर कई प्रकार से जुड़े करते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक बेंजीन वलय एक दूसरे से एकल बंध सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं तो ऐसे यौगिक को बाईफेनिल टर्फेनिल कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 बेंजीन वलय हैं जो एक दूसरे से सिंगल बंध से जुड़ी हुई है, इसे हम बाईफेनिल कहते हैं। इसी प्रकार से बेंजीन वलय परस्पर 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु के द्वारा भी जुड़ सकती हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है नेफ्थलीन। यहाँ पर 2 बेंजीन वलय हैं वो कंडेंस होती हैं, संघनित होती हैं। इसी प्रकार से एंथ्रासीन एम फिनेंथ्रीन एकल क्रियात्मक समूह युक्त बेंजीन के व्युत्पन्न। बेंजीन में सभी हाइड्रोजन परमाणु समान होते हैं, किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को एक क्रियात्मक समूह से
प्रतिस्थापित करने पर एकल क्रियात्मक समूह बेंजीन व्युत्पन्न बनते हैं। इन व्युत्पन्नों को दो प्रकार से हम नाम दे सकते हैं, बेंजीन से पूर्व बेंजीन वलय में उपस्थित क्रियात्मक समूह का नाम लिख करके और बेंजीन और क्रियात्मक समूह दोनों को मिला करके नया नाम देते हैं। दोनों ही प्रकार से नाम देने है वो IUPAC पद्धति में मान्य है, जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसे हम हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनोल नाम देते हैं। इसी प्रकार से इसका नाम होगा बेंजीन एमिनिया एनिलीन और इस तरह का नाम होगा फ्लोरोबेंजीन। इसका नाम होगा यहाँ पर बेंजीन वाले के साथ मेथॉक्सिस मिला हुआ है अतः इसका नाम होगा मेथॉक्सी बेंजीन, इसे एनिसोल भी कहते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर बेंजीन वाले के साथ एथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है अतः इसका नाम होगा एथॉक्सी बेंजीन, इसे फेनिडोल भी कहते हैं। इसी प्रकार से इसे हम बेंजोइक अम्ल करते हैं, इसे बेंजाल्डिहाइड, इस प्रकार से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। दो क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी युक्त बेंजीन के व्युत्पन्न, बेंजीन के दो हाइड्रोजन परमाणु को दो क्रियात्मक समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर दो क्रियात्मक समूह व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। दो समूह यदि 1-2 पोजीशन पर हैं ऑर्थो हैं या 1-3 मेटा पोजीशन है या 1-4 पैरा पोजीशन पर उपस्थित हो सकते हैं। इस स्थिति में हम उस क्रियात्मक समूह को पोजीशन नंबर 1 देते हैं जो वरीयता क्रम में पहले आता है। यहाँ पर विभिन्न क्रियात्मक समूह की वरीयता क्रम को प्रदर्शित किया गया है। सबसे अधिक वरीयता क्रम है वो COOH कार्बोक्सिलिक समूह को दिया गया है एवं शेष समूह इसी क्रम में वरीयता है वो रखते हैं और इसी आधार पर हम इनकी वरीयता का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर हम कुछ दो क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापित समूह बेंजीन व्युत्पन्न के नामकरण के बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है बेंजीन वाले पर यहाँ पर दो COOH जुड़े हुए हैं अतः इसका नाम होगा 1-2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर बेंजीन वाले पर दो OH समूह उपस्थित हैं 1-2 पोजीशन पर हैं अतः इसका नाम होगा 1-2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसे कैटेकोल भी कहते हैं। इसी प्रकार इस संरचना का नाम होगा यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 और 3 पोजीशन पर OH समूह हैं अतः इसका नाम होगा 1-3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसे रिसोर्सिनोल भी कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 और 4 पोजीशन पर OH समूह उपस्थित हैं अतः इसका नाम होगा 1-4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसे हाइड्रोक्यूनोन या क्यूनोल भी कहते हैं। अतः इस प्रकार से हम इनका IUPAC नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेंजीन वाले के साथ OH और COOH दो क्रियात्मक समूह जुड़े हैं अतः हम इसका नामकरण निम्न प्रकार से करते हैं। यहाँ पर इसका नाम होगा 2-hydroxy बेंजोइक अम्ल। COOH है वो मुख्य क्रियात्मक समूह है। इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं यहाँ पर नंबरिंग हम जैसे प्रारंभ करते हैं 1-2-3 इसका नाम होगा 3-hydroxy बेंजोइक अम्ल। अतः इस प्रकार से हम द्विप्रतिस्थापित क्रियात्मक समूह वाले बेंजीन व्युत्पन्न का नामकरण कर सकते हैं। थैंक यू।